नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दृष्टर उपाध्याय। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के नाम पर बनारस में ऐसा बवाल खड़ा हुआ कि जिसका खामियाजा उनकी पार्टी के दिग्गज नेताओं को भुगतना पड़ गया, यहाँ तक कि नेताओं को जान बचाना भी मुश्किल पड़ गया। अगर पुलिस मौके पर ना पहुंचती तो शायद कोई बड़ी घटना घट सकती थी। क्या है पूरा मामला, ध्यान से देखिए। दरअसल बनारस के अरुआ क्षेत्र में हाफ कंट्री रेस के आयोजन के दौरान 19 जनवरी की सुबह युवाओं के बीच भगदड़ मच गई। इस दौरान युवाओं ने जमकर वाहनों में तोड़फोड़ करने के साथ ही कुर्सियां भी तोड़ी और जमकर पत्थरबाजी भी की। युवाओं के इस गुस्से के पीछे कोई बड़ी वजह थी तो वो थे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। दरअसल काशी कृषक इंटर कॉलेज मैदान से रिंग रोड तक हाफ मैराथन कार्यक्रम का आयोजन हो रहा था। इसके बाद अन्य आयोजनों के विजेताओं को पुरस्कृत भी किया जाना था। इस कार्यक्रम में अखिलेश यादव को भी शामिल होना था, लेकिन जब युवाओं को इस बात की भनक पड़ी कि अखिलेश यादव का दौरा रद्द हो गया है तो युवा भड़क गए और युवाओं ने सपा नेता और पूर्व सांसद रमाकांत यादव सहित अन्य मुख्य अतिथियों को दौड़ा लिया तो सपा नेताओं के बीच भी भगदड़ मच गई। काफी देर बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह हालात पर काबू पाया। तो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के दौरे रद्द होने के बाद पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव को कार्यक्रम में शामिल होने की जानकारी दी गई। आजमगढ़ के पूर्व सांसद रमाकांत यादव भी कार्यक्रम का हिस्सा थे, लेकिन युवा इतने आग बबूला हो गए कि उन्होंने रमाकांत यादव की गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी। आयोजन के दौरान उपद्रव होने के बाद मुख्य अतिथि सहित आयोजक मौके से फरार हो गए। वहीं सुरक्षा बलों की कमी की वजह से काफी देर तक झड़प होती रही। पुलिस के मुताबिक मौके पर सुरक्षा व्यवस्था भी कम रही और युवाओं की संख्या काफी अधिक होने की वजह से विवाद पर काबू पाने में समस्याओं का सामना करना पड़ा। वहीं आयोजन में शामिल होने आए देश विदेश के धावकों में भी काफी हड़कंप की स्थिति रही। युवाओं का आरोप है कि बिना नियम के ही आयोजन में शामिल होने आए लड़कों को दौड़ा दिया गया। इन युवाओं ने जब अपना पैसा वापस मांगा तो उनका पैसा भी नहीं दिया जा रहा था, जिसके चलते युवाओं ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। कार्यक्रम में शामिल होने आए सपा के नेताओं और पदाधिकारियों को दौड़ाने के बाद युवाओं के बीच भगदड़ काफी देर तक बची रही। युवाओं के मुताबिक पिछले वाले रास्ते से अतिथि जब भागने लगे तो चर्चा इस बात की रही कि पश्चिम की ओर कोई राजापुर मोड़ पर उनको घेरा जाएगा। इतना सुनते ही सभी लड़के कोई राजापुर मोड़ की तरफ दौड़ पड़े, लेकिन जब तक पूर्व सांसद रमाकांत का काफिला निर्माणाधीन रिंग रोड से कौरात पुल की तरफ चला गया, उसके बाद आक्रोशित युवाओं की भीड़ दोबारा आयोजन स्थल पर पहुंची और उत्पात शुरू कर दिया। दूसरी ओर मौके पर पहुंचे केन्या से आए धावक भी अफरा तफरी के बीच फंस गए। बवाल होने के बाद फोर्स की वजह से बैकपोर्ट पर आई पुलिस ने आखिरकार घंटे भर तक झड़प के बाद मोर्चा संभाला। इस दौरान थानाध्यक्ष बड़गांव की ओर से युवाओं का पैसा वापस कराने का आश्वासन दिया गया और कुर्सियों एकत्र करवाकर लोगों से शांत होने की अपील की गई। तो वह SDM पिंडारा डॉक्टर NN यादव का कहना है कि कार्यक्रम बिना परमिशन के आयोजित था, इसके लिए कोई भी परमिशन नहीं दी गई थी और आयोजकों के साथ ही दोषी पाए जाने वाले अन्य लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। खैर, अब सवाल यह है कि जब इस कार्यक्रम को करने की परमिशन ही नहीं थी तो फिर सपा नेताओं ने ऐसा क्यों किया, और अगर इस बीच कोई बड़ा हादसा हो जाता क्या अखिलेश यादव इसकी जिम्मेदारी लेते। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।